हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चकदे विद नॉलेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली पेंशन की और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में जो बैंक का कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में। बैंक यूनियन ने फैमिली पेंशन को विदाउट सीलिंग लागू करने और एनपीएस के अंदर बैंक का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को लेटर लिखा है। यूनियन ने लेटर में फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है कि आईबीए के साथ जो यूनियंस की मीटिंग हुई थी उसमें ऑलरेडी 11 नवंबर 2020 को ऐसा फैसला हो चुका था कि जो फैमिली पेंशन है यानी कि डिसीज एम्प्लॉयज के फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो 30% पे का होगी और इसमें कोई भी मॉनेटरी सीलिंग नहीं होगी, यानी कि 30% चाहे कितना भी हो वो पे होगा विदाउट एनी सीलिंग। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो यूनियन ने फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। हम आपको बताते चलें कि ये रूल सभी बैंकों में लागू होगा जिसमें कि एसबीआई भी शामिल है। दूसरी डिमांड यूनियन की है न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के। अभी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी कि बैंक का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए। आईबीए के साथ जो यूनियंस का निगोशिएशन हुआ था 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर, उसके अंतर्गत जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था यानी कि बैंक का कंट्रीब्यूशन था उसको 10% से बढ़ा के 14% करना था विद इफेक्ट फ्रॉम 11th ऑफ नवंबर 2020। सभी बैंकों में 1 अप्रैल 2010 से न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी और एसबीआई के अंदर ये 1 अगस्त 2010 से लागू है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनको अभी भी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत वो 14% है और बैंक कर्मचारियों के लिए इसे लागू किया जाना है। तो यूनियन ने ये दोनों डिमांड सरकार से की हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन दोनों डिमांडों को जल्दी मांग लेगी जिससे कि बैंक कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों की फैमिली यानी कि फैमिली पेंशनर्स का कुछ भला होगा। इस वीडियो को केवल और केवल बैंक कर्मचारियों के साथ ही शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलिएगा जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।